मोहम्मद बहल है। यहाँ पे हमारी दुर्गा पूजा उत्कल नव दुर्गा कमेटी और जगन्नाथ समिति दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। 28 साल से पूजा हो रहा है। आज स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आ रहे हैं, जो मंच का उद्घाटन होगा उसके बाद कार्यक्रम है। हमारी दुर्गा पूजा लगभग नोएडा से सबसे पुरानी है, 28 साल से हो रहा है और बड़ा धूमधाम से हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं। इसे उत्कल मतलब उड़ीसा वासी की सारे लोग मिलके ये दुर्गा पूजा हो रहा है और ये अभी आज छठी है, आज से पूजा शुरू हुआ। कल सप्तमी होगा, अष्टमी होगा, नवमी होगा, तीन दिन हमारी यहाँ पूजा होगा। ये नोएडा की तरफ से स्वच्छ भारत को ध्यान देखते हुए हम लोग ने जो हमारी नोएडा की तरफ से जहाँ बनाया गया वहाँ पे हम लोग जमुना में नहीं डुबाएंगे। बहुत विशिष्ट आप देखेंगे, आपको स्वच्छ भारत का एकदम यहाँ मिलेगा नमूना। हम लोग और पूजा विधि विधान से उड़ीसा से पंडित जी आया हुआ है और यहाँ का लोग बड़े आनंद से आज दुर्गा पूजा का माँ शेरावाली का पूजा बड़ा धूमधाम से कर रहे हैं। नहीं, मंदिर तो हाँ ऑलरेडी चालू है, पीछे जगन्नाथ समिति के नाम से और दुर्गा मंदिर बना हुआ है और इसके दुर्गा पूजा का तो जो दुर्गा मंदिर है उसका उद्घाटन हो चुका है, 2003 में हुआ है, जलवाली गुरु जी के हाथों से हुआ था और यहाँ का जो MP थे डॉक्टर महेश शर्मा जी वो भी थे। भूमि पूजन चंद्रमान डॉक्टर चंद्रमान सत्यजी महाराज जी के जगन्नाथ मंदिर का जो भूमि पूजन तो चंद्रमान गुरु जी जो है किए थे। अभी हम लोग का मंदिर बन रहा है, साल दो साल का अंदर वो कम्प्लीट हो जाएगा और जगन्नाथ जी जो है सेकंड फ्लोर से ऊपर जो मंदिर बनेगा वहीं पर है, जब उसके कम्प्लीट होने के बाद उसका उद्घाटन होगा। लगभग 2 करोड़ के आसपास इसका बजट। मैं मनोरंजन महंती इस जगन्नाथ समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऐसे तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा जो है पूरे इंडिया में पालन करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ में ज़्यादा है और वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है। तो हमारा जगन्नाथ संस्कृति के साथ साथ हम दुर्गा पूजा भी जो पालन करते हैं तो यहाँ भी पिछले 28 साल से हम यहाँ पर पालन कर रहे हैं और इसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि इंडिया कल्चर और जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा का जो हैंडीक्राफ्ट जो भी लोगों के अंदर है पूरा उड़ीसा का तो यहाँ पे हम लोगों को बताएं और उस संस्कृति को हम यहाँ पे करें क्योंकि हमारा समिति जो है हम एक हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो सामुदायिक विकास है, हम उसके अंदर जितने भी गरीब बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन दिलाते हैं और एक सामूहिक मैरिज का काम भी करते हैं। प्लस हमारा जो अभी गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है स्वच्छ भारत अभियान हो गया या अभी से नो टू प्लास्टिक यूज, हम आज से यहाँ से कोई भी प्लास्टिक यूज हम यहाँ नहीं कर रहे और इसी बात को लेकर हम पूरे कंट्री के अंदर जारी रहे और यहाँ होते हुए इस जगन्नाथ समिति के बैनर पे हम इसके आसपास के इलाके में कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें स्प्रेड हो और लोगों को पता रहे और लोग इसके हम जागरूक करा के एक हमारे पूरा कंट्री के लिए हम काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं।